नमस्कार, मैं हूं अदिति अरोरा सावंत और लीजिए सास बहू और साजिश का एक बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। खास और मजेदार इसलिए जनाब, क्योंकि आज हम आपके सितारों से मुलाकात कराएंगे। अब आप कहेंगे ये भाई क्या बात हुई, रोज ही कराते हैं, लेकिन आज तो हम मुलाकात के साथ बात भी कराएंगे। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है हीर और प्रेम, किस देश में है मेरा दिल के हीर और प्रेम, और इनसे ढेर सारी बातें आप कर सकते हैं। दे दनादन फोन करना शुरू करिए। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए, स्वागत है आप दोनों का। और कैसा चल रहा है सब कुछ सीरियल में, आपकी जिंदगी में? भाई काफी अच्छा चल रहा है फिलहाल, तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। मैं इनसे बात नहीं कर रही, मतलब मैं बात करना नहीं चाहती हूँ, ये मेरे पीछे आ रहे हैं बार बार। एंड मैं टिपिकल लड़का बिहेव कर रहा हूँ पहले यानी लड़की के पीछे भाग रहा हूँ मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि आपको अपना ये अंदाज कुछ पसंद नहीं आ रहा? पहले आप हीर को बहुत सताते थे, लगता है उनको मनाने का ये जो आपका अंदाज है वो आपको कुछ जच नहीं रहा। इनफैक्ट नहीं, मुझे इनफैक्ट पहले से ज्यादा मजा आ रहा है और ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ मैं पूरी तरह से। एक एक जो नुआंसेस हैं अभी इस कैरेक्टर के मैं समझ सकता हूँ, उसका गिल्ट समझ सकता हूँ, और वो क्यों अपनी गलती को सुधारना चाहता है और क्यों इतना बेशरम होके पीछे पड़ा हुआ है, सब समझ सकता हूँ। लेकिन यूजुअली लड़के ऐसा करते नहीं है, मतलब ऐसा क्यों नहीं करते, क्यों क्यों लगता है आपको? लड़के ऐसा यूजुअली करते नहीं है, यू नो, ऐसे सॉरी वॉरी बोलना और इतने पीछे पड़ते नहीं है, सो ही इज अ स्पेशल केस। अच्छा, लेकिन एक चीज बताइए, माना कि वो आपको मना रहे हैं, एक तरफ आप कह रही हैं उनसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो आपके मैरिज ब्यूरो में आए आपको सताने और आप उन्हीं के लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं, भाई ये क्या बात हुई हीर? अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बाबूजी ने मुझसे इतना रिक्वेस्ट किया है कि तुझे तो अपनी खुशी मिल गई है, मेरी बेटी मिल गई है, उसके लिए कुछ खुशी ढूंढ दे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, उसके लिए अगर कुछ कर सकती हूँ तो आई विल डू इट, इसीलिए कर रही हूँ, नहीं तो चोर है, चोर उसको भी अच्छा लगता है मैं उसके आगे पीछे हूँ इसलिए नहीं चोर है चलिए आपसे एक दर्शक बहुत से सवाल करना चाहता है, हमारी तरह से ही, हमारे तरह ही खुशबू है छत्तीसगढ़ से, वो भी कुछ पूछना चाहती है। चलिए पूछिए खुशबू, क्या पूछना चाहती हैं आप हीर और प्रेम से? जी खुशबू, आप सवाल पूछे। हेलो हेलो, हाँ वो हीर जी बोल रही है? हेलो सुनाई दे रहा है? हाँ जी, मैं हीर जी बोल रही हूँ। नमस्ते नमस्ते, हेलो तेरा हीर जी, आपकी बेटी चाहत हमको बहुत पसंद है, हम लोग आपका सीरियल भी रोज देखते हैं। हेलो, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आपका सीरियल हम लोग रोज देखते हैं और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों कब मिलेंगे। हेलो, कभी आप लोग मिलेंगे इज अ क्वेश्चन मार्क। फिर मिलेंगे जरूर मिलेंगे, बट कब मिलेंगे इज अ क्वेश्चन मार्क। वैसे एक चीज बताइए अदिति, और भी हो सकता है। अच्छा, जल्द मिलेंगे ऐसे हमें मतलब आसार आपको लग रहे हैं सीरियल में कि अदिति मतलब हीर और प्रेम जल्दी मिलेंगे, लेकिन एक चीज बताइए, आप लोगों को ये जो किरदार अब आप निभा रहे हैं, सीरियल ने 6 साल का लीप लिया, आप अब मम्मी डैडी बन चुके हैं, तो कितना फर्क पाते हैं अपने किरदारों को और इसको निभाने में, ज्यादा मजा आ रहा है कि पहले वाले हीर और प्रेम ज्यादा मजेदार थे? पहले हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था आफ्टर लीप, हम लोगों ने इसे ये जो शो है एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बिगनिंग से चालू हुआ है, वापस से हमारी डे नाइट चालू हो गई, वापस से अच्छे अच्छे से सीन्स और एक एक होता है ना कि एक नई शुरुआत, कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। मतलब एक ही चीज़ एक ही तरीके का आदमी देख देख के शायद ऑडियंस भी बोर हो जाएगी, और उन्हें ये जो थोड़ी सी हल्की सी जो डिफरेंट साइड ऑफ द कैरेक्टर जिसे कहते हैं डिफरेंट शेड, वो देख के शायद और ज़्यादा मजा आएगा, प्ले करने में तो बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली। मतलब हम लोग पहले जो थे अब जो है इतना ज़्यादा मैच्योर हो गया है सब कुछ, मतलब इतना मैच्योर फील देना पड़ता है, तो वो भी एक नई फीलिंग है, अच्छा लग रहा है, मतलब मजा आ रहा है थोड़ा सा। मुझे लगता है कि मैं पहले ज़्यादा मैच्योर था और अब थोड़ा वो
लड़कों वाली बात आ गई है अब तो, मतलब लड़की के पीछे भागने वाली जो बात है ना, बड़ी लड़कों वाली बात, बॉयज। मुझे बच्ची को साथ में लेके घूमना पड़ता है और यू नो बच्ची वाली फीलिंग की माँ बेटा कुछ नहीं मैं हूँ तेरे साथ, ऐसी फीलिंग लाना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मेरे लिए बहुत ईजी होता है, मुझे बच्चे के साथ बच्चा बनना होता है तो मैं मतलब आई थिंक मुझे ज्यादा मजा आ रहा है फिर। हाँ सो दैट मीन्स हर्षा जो है उनके लिए केक वॉक है। चलिए एक और दर्शन।